प्यासी खत्म हो जाए ना तो इंतजार का मजा नहीं रहता। अगर ये जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जान लेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। मेरा गम मुझसे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि मैं हूं तो ये है, वरना इसकी कोई औकात नहीं। हाय हाय। शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। नमस्कार कहता है, मोहब्बत भरे संदेश आप तक पहुंच रहे हैं मेरे। मैं जानता हूं करोड़ों लोग जो प्यार कर रहे हैं कविता को, शायरी को, इससे खूबसूरत बात क्या हो सकती है। हमारे देश की संस्कृति की बात हम करें, हमारे देश के संस्कारों की बात करें, हमारे देश की भाषा की बात करें, हमारे देश के विन्यास की बात करें, हमारे देश में जो ये विशेषता है उसकी बात करें, इससे बेहतर क्या हो सकता है। वैसे जिंदगी में बेहतरी की तलाश में कोई आदमी निकला हुआ हो तो कुछ और भी हो सकता है। जैसे एक आदमी जा रहा था तो एक फूल वाले ने कहा, भाई साहब फूल ले लो भाई साहब, फूल ले। क्या करे बेचारा आदमी, को अपना माल तो बेचना ही है, फूल ले लो भाई साहब। अरे बोले, नहीं फूल नहीं चाहिए, अपनी मंगेतर के लिए लो भाई साहब। अरे बोली, मेरे मंगेतर नहीं, अपनी गर्लफ्रेंड के लिए ले भल भाई साहब, ले लो बस ले। अरे मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है, अपनी बीवी के लिए ले लो भाई साहब। अरे भाई मेरी बीवी भी नहीं है तो है, खुश नसीब आदमी, मेरी तरफ से फ्री में ले जा तू। क्योंकि बेचारा कितना सिंगल होगा वो, हाँ कितना सिंगल, कोई नहीं। अच्छा कुछ होते हैं सिंगल, कुछ होते हैं जबरदस्त सिंगल, हो कुछ होते हैं भयंकर सिंगल, मतलब इतने सिंगल होते, पर इनसे ऊपर एक क्वालिटी और होती है। एक होते हैं सिंगल जिनके जीवन में कोई नहीं होता, एक होते हैं जबरदस्त सिंगल जिनके जीवन में आने की कोई संभावना नहीं होती, एक होते भयंकर सिंगल कभी कोई आएगा ही नहीं। एक चौथी क्वालिटी और है जिसमें वो होता है जो अपने दोस्त को कहता है, ईयरफोन का एक साइड दे दे, मुझे सिर्फ आवाज सुननी है यार एक बार। लेकिन यहां वो लोग बैठे जिनकी आवाज आप सारे लोग सुनना चाहते हैं और सारा देश सुनना चाहता है और सारा देश सुन के प्यार करता है। मैं इन तीनों से आपका परिचय कराऊं, उसके पहले हमारे आज के एपिसोड के कैसे खास मेहमान को बुलाना चाहता हूं, जो हिंदी टेलीविजन जगत के इतने नामचीन नाम हैं, इतने कमाल के हैं कि मुझे उनका परिचय देने की कोई आवश्यकता महसूस नहीं होती। किस जमाने से, जिस जमाने में हमारे पिताजी फिल्में देखा करते थे एक दूसरे के लिए, उस जमाने से और कितनी 1976 से वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में अपने अभिनय से छाप छोड़ रहे हैं। कितनी सैकड़ों फिल्में, कितने सैकड़ों सीरियल, कमाल के अभिनेता, थिएटर से निकला हुआ एक ऐसा आर्टिस्ट जो जितना अच्छा अभिनेता है उतना ही अच्छा कवि भी, हम बुलाते हैं उनको। सो प्लीज पुट योर हैंड्स टुगेदर फॉर नन अदर देन राकेश बेदी। क्या बात है, बैठिए राकेश भाई, कितने कमाल के कलाकार हैं ये तो दुनिया को बताने की जरूरत है नहीं। इनकी नाक में दम करके रखा हुआ है मैंने। आपके नाक में दम करने की वजह से ये हाल हो गया। आज यहाँ थे कैसे आना, आपका क्या ख्याल है, आपने बोला कोई जल्दी है, मैं लिख तो लिख लेता हूँ, बाकी तो आप जानते हैं आप इतने बड़े कलाकार है तो कैसे मतलब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि मुझे आज यहाँ पर बहुत मजा आएगा। मजा बस दरवाजे पे खड़ा अंदर आने वाला है, मजा दरवाजे पे खड़ा खोलो मजा को अंदर आने। तो आपको समझ में आ गया होगा कि राकेश बेदी जी आज यहाँ तो कितना मजा आने वाला है। हम जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं श्री राकेश बेदी का। राकेश जी मिलते हैं इनसे।
मंच के इस कोने पे जो बैठे हैं, जो बंद गले का सूट पहन के बैठे हुए हैं और बड़े कमाल के हैं, मध्य प्रदेश में एक बड़ा खूबसूरत कस्बा है और एक बड़ा प्रसिद्ध जंक्शन है इटारसी। इटारसी से हमारे बीच में आते हैं राजेंद्र मालवीय आलसी। इन्होंने अपना जो उपनाम है, निकनेम है, वो आलसी रखा। वैसे निकनेम का भी क्या किया, जैसे एक लड़के ने, राकेश भाई, लड़की बातचीत करते, लड़की ने कहा तुम्हारा निकनेम क्या है, तो लड़का बोले निकनेम क्या होता है, बोले घर वाले तुम्हें किस नाम से बुलाते हैं, बोले लफंडर बदमाश कामचोर गुड़जा। तो इन्होंने खुद ही अपना उपनाम जो है, तखल्लुस जो है, पेन नेम है, वो राजेंद्र मालवीय आलसी रख दिया। राजेंद्र मालवीय को मैं बहुत बरसों से जानता हूँ और हिंदी कवि सम्मेलन और व्यंग के बहुत अद्भुत हस्ताक्षर हैं और इनकी कविता पढ़ने का अंदाज जो है वो बड़ा कमाल का। हम स्वागत करते हैं राजेंद्र मालवीय आलसी का। वाह, राजेंद्र मालवीय आलसी के पास जो बैठी हुई हैं वो पद्मिनी शर्मा हैं। पद्मिनी शर्मा को विरसे में कविता मिली है। इनकी जो माँ हैं सरिता शर्मा, जो परसों से मैं उन्हें जानता हूँ, जो बहुत अच्छी कविताएं कहती, बहुत अच्छे शेर कहती हैं, बहुत बढ़िया गीत लिखती हैं और हिंदी कवि सम्मेलन का बड़ा प्रसिद्ध नाम है। और पद्मिनी ने पिछले कुछ सालों में बेहद तेज़ी से अपनी तरक्की की और मुझे इस बात की खुशी है कि एक कार्यक्रम में सबसे पहले पद्मिनी को टेलीविजन पर हमने इस देश के सामने प्रस्तुत किया था और ये सौभाग्य मुझे मिला था। और उसके बाद पद्मिनी ने सारे देश में अपना नाम कर दिया। पद्मिनी शर्मा का स्वागत करते हैं हमारे बीच में। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि एक और नाम को हम देश के सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, कि ऐसा शायर, एक ऐसा कवि जो दम लगा के अपनी बात लिखता है और दम लगा के अपनी बात कहता है और बड़े खास अंदाज में कहता है, प्रबुद्ध सौरभ जिनका नाम होता है। प्रबुद्ध बहुत एक अलग जहनियत के इंसान है, अद्भुत बात वो करते हैं, अलग खास अंदाज से बात करते हैं और बड़े अच्छे कवि हैं, गीतकार हैं। इनका एक गीत सोनू निगम जी ने अपनी आवाज में गाया भी है। हम स्वागत करते हैं प्रबुद्ध सौरभ का इस मंच पे। तो राकेश भाई, आज क्या उम्मीद है आपको इस कार्यक्रम से? मुझे उम्मीद है कि आज बहुत सारे पटाखे चलेंगे, दिवाली आने वाली है। क्या बात है, बिल्कुल सही। हंसी के पटाखे, हंसी के पटाखे चलेंगे, हंसी के पटाखे चलेंगे, मुस्कुराहट के अनार होंगे और खिलखिलाहट की फुलझड़ियां होंगी। तो आइए बुलाते हैं उन्हें जो अद्भुत है, कमाल है, उनका अंदाज बेमिसाल है। राजेंद्र मालवीय जी आइए। कहता हूं कि हंसने हंसाने की ये राह है, वाह, कम की किसे यहाँ परवाह है, वाह, और ऐसे प्रोग्राम के बारे में क्या कहें जिसके आगे भी वाह है और पीछे भी वाह है। तो हंसने हंसाने की बात है साहब, तो मैं आपको एक ऐसी कविता सुनाता हूँ। आपने सही कहा, ये खोज का विषय है। देखो, आगे भी वाह है, पीछे भी वाह है। मैंने राजेंद्र मालवीय जी को एक दिन पूछा कि कभी कभी नहा लिया भी करो, आप नहाते क्यों नहीं हो? तो बोले, शैलेश भाई, आप नहाना शब्द देखिए, आगे भी ना है, पीछे भी ना है। क्या बात है, अब वो क्या हुआ, बाहर मैं अंदर आ रहा था स्टूडियो के अंदर, तो बाहर दो तीन पुलिस वाले मिल गए। हाँ। बोले कहाँ जा रहे हो? अरे मैंने कहा प्रोग्राम करने जा रहा, वाह भाई वाह, मैं कविता सुनाने जा रहा। तो बोले, अगर पुलिस पर कविता सुनाओगे तो वापस घर नहीं जा पाओगे। तो मैंने कहा ऐसा है भाई साहब, हमारी पत्नी भी करवा चौथ का व्रत रखती है, वाह, उस हिसाब से पुलिस हमारा कुछ नहीं कर सकती है। और कर ले तो कर ले, अपन तो घर बोल के ही आए कि 29 तारीख की शूटिंग है, 30 की शाम तक घर आ गए तो ठीक, नहीं तो 31 के सवेरे बच्चों के मुंडन तो करवा ही देना। बहुत अच्छे। अब तो अभी शैलेश जी पूछ रहे थे, बोले राजेंद्र मालवीय, लोकतंत्र के अर्थ को आप अपने मन में किस तरह से गुनते हैं? अरे मैंने कहा शैलेश जी, लोकतंत्र वो प्रणाली है जिसमें बहुत सारे बकरे मिलकर अपने हिस्से के कसाई को खुद ही चुनते हैं। अच्छा, कल जू गए थे
तो चौपाटी पे वो हीरो मिल गया। अरे मैंने कहा तुम तो हीरो? बोले हाँ हीरो। मैंने कहा कितने साल तक रहोगे? 10-5 साल और हीरो रहोगे, उसके बाद क्या करोगे? बोले उसके बाद कैरेक्टर आर्टिस्ट बनेंगे। ओ मैंने कहा जब कैरेक्टर भी नहीं रहेगा तब क्या करोगे? बोले फिर नेता बनेंगे। राजेंद्र मालवीय ने बहुत सारी खुशी हमें दी और आइए हम बुलाते हैं उसे जिसे सुन के आपको खुशी भी मिलेगी और सोचने के विषय भी मिलेंगे और एक खास अंदाज भी मिलेगा। प्रभु सौरभ। इस कार्यक्रम के माध्यम से सारी बातें करोड़ों लोगों तक पहुंच रही है, तो एक ऐसी बात से शुरू करना चाहता हूं जिसका इस समय करोड़ों लोगों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। पंक्तियां ऐसी है कि ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे। ना दौलत ना शोहरत मांगे ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं। मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। हाय हाय वाह और बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत बढ़िया सौरभ, क्या बात है। और आइए आपको एक गजल से जोड़ता हूँ। शेर इसका यूं है कि तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक। तेरी दौलत उनकी दौलत रह जाएगी उनके घर चौबारों तक, अपने अक्षर शेयर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। है क्या बात है। तेरी दौलत रह जाएगी तेरे घर चौबारों तक, मेरे अक्षर शेयर करेंगे सूरज चांद सितारों तक। और बात कफन की निकली थी पर रस्ते में नीलाम हुई। टेलीविजन आप लोग सब देखते हैं। बात कफन की निकली थी पर रस्ते में नीलाम हुई, रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। रंग बिरंगी चूनर हो गई जब पहुंची अखबारों तक। और आइए आपको अब एक गजल सुनाता हूँ जिस गजल का नाम है घर बचाऊ गजल। घर बचाऊ जी, घर में कभी भी लगे कि भाभी जी के साथ कुछ ज्यादा तनातनी हो गई है, ये गजल सुना दीजिए, निश्चित रूप से सबके काम आएगी। तो सुनिए। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। हाय हाय। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। वाह। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर। ओहो, दिल जादूगर सा, दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, दिल छलनी बेकाबू सांसें घायल नजरें चाक जिगर। लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, और इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर। इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, पत्थर शालिग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। पतझड़ के मौसम में अपने डाल से बिछड़े पत्ते को, पतझड़ के मौसम में अपने डाल से बिछड़े पत्ते को, गुल गुलशन गुलफाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। आइए आपको एक अलग अंदाज के गजल की तरफ ले चलता हूँ। इसमें एक शब्द आएगा हिजरत। हिजरत का मतलब आप सब जानते होंगे, लेकिन मैं खास करके बता दूं, हिजरत का मतलब होता है कई बार अपनी जमीन छोड़कर आपको कहीं जाना पड़ता है। हिंदी में उसे कहते हैं विस्थापन, अंग्रेजी में कहते हैं ट्रांजिशन। आप जब चले जाते हैं और तो उसे विस्थापन को हिजरत कहा जाता है। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर ये जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जान लेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। नहीं जाता, क्या बात है। बहुत शुक्रिया। अगर यह जख्म मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जान लेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। और अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। हाय हाय। अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में,
अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। क्या बात है, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। और इस गजल का आखिरी शेर और प्रस्तुति का आखिरी शेर कि बताऊं किस हवाले से उन्हें बैराग का मतलब, बताऊं किस हवाले से उन्हें बैराग का मतलब, जो तारे पूछते हैं रात को घर क्यों नहीं जाता। जो तारे पूछते हैं, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, वाह वाह। तो मैं मर क्यों नहीं जाता भाई, वाह। लेकिन मेरा दिमाग जो है ना वो थोड़ा सा अलग चलता है, काफी मुझे बड़ा आकर्षित कर रहे थे। अब आज के जमाने में क्या हो गया है कि मर क्यों नहीं जाता, सर क्यों जाता, रात भर चैटिंग के बाद मेरी गली के चक्कर, रात भर चैटिंग के बाद मेरी गली के चक्कर, अबे मैं भी लड़का हूं, तू अपने घर क्यों नहीं जाता। भाई आपकी मोहब्बत, आपका प्यार, मैं ईमेल एक पढ़ना चाहूंगा जो मेरे पास आई है और ये भेजी है। ये साहब हैं रमेश सिंह जी लखनऊ से, जो मेल लिखते हैं और कहते हैं कि सर हाँ भाई वाह, हमें बहुत अच्छा लगता है, हम सारा परिवार रात को 9 बजे मिलके इसे देखते हैं, कविताएं सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन एक बात की शिकायत है। क्या लिखते हैं आगे, एक बात की शिकायत है शैलेश भाई, इस प्रोग्राम को आधे घंटे की जगह 1 घंटे कर दीजिए, माफी चाहता हूं मैं आपसे। सबसे पहले तो इन मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस तरह से जो चिट्ठियां लिखते हैं, आज के जमाने में भी राकेश भाई पत्र लिखते हैं लोग और आते हैं हमारे पास और ईमेल्स करते हैं, आप मैसेजेस करते हैं, आपकी मोहब्बतों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन निश्चित तौर पर हम कोशिश करेंगे, आपने जो सुझाव दिया है उस पर हम सोचेंगे, लेकिन प्यास बनी रहनी चाहिए। अगर जिंदगी में प्यास बनी रहती है ना तो इंतजार बड़ा अच्छा लगता है, और जब प्यास ही खत्म हो जाए ना तो इंतजार का मजा नहीं रहता। अब जैसे आप लोगों ने इतनी देर इंतजार किया कि मैं ब्रेक के बाद आऊंगा और आपसे कुछ कहूंगा, तो इसे प्यास को बनी रहने दीजिए और बुलाते हैं उन्हें जिन्हें सुन के आप कहेंगे वाह भाई वाह, पद्मिनी शर्मा। आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं बहुत समय से आलसी जी से और आदरणीय शैलेश जी से महिलाओं की और पत्नियों की तारीफ सुन रही थी, मैं 4 पंक्तियां हाजिर करती हूँ। हाँ। लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, लकीरें खींच देता है मेरे चेहरे पे मनमानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, मेरे काजल का दुश्मन है ये मेरी आंख का पानी, तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, तड़प उठता है राजा मेरे गीतों की सदा सुनकर, मेरी आवाज में गाती है कोई हीर दीवानी, मेरी तरह की कविताएं लिखती थी जो अभी आपने सुनाई। जी जी जी, इस तरह की जी। और उसके बाद मेरी शादी हो गई। फिर मैंने क्या लिखा, एक गीत के माध्यम से आपको सुनाया। पद्मिनी, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, देखो पुरुषों अच्छा। और पतियों सुनो, सौरभ और आलसी जी आप भी सुनेगा, आप बहुत तारीफ कर रहे थे। देखो पुरुषों और पतियों, आप सब एक बात याद रखो कि आप पुरुष चाहे कितनी भी तीखी मिर्ची हो जी, हम महिलाएं आपका चार डाल की देती हैं। ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में, ढूंढो ढूंढो रे सांवरिया मेरा, खो गया मेले में, ढूंढो रे अकेले में, रात हो गई छोड़।
लड़कियां ये ख्वाब देखती थी कि सफेद घोड़े पे बैठ के उनका राजकुमार आएगा और उनको ले जाएगा। ऐसी ही लड़की की दास्तान आपको बताना चाहती हूँ। किस बात पर वो उससे रूठ कर चला गया? उसने बोला मैं विराट, तू मेरी अनुष्का रानी। उसने बोला मैं विराट, तू मेरी अनुष्का रानी। मैंने कहा कि मैं तो रोहित शर्मा। उसकी पीड़ा, उसकी पत्नी की पीड़ा आपसे बांटना चाहती हूँ। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में उसको ढूंढ के आई। अपने सब रिश्तेदारों में उसको ढूंढ के आई। आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले में। आखिर में घर जाई मुझको पी के मिला तबेले। राकेश जी भी इस बात के बाद खड़े हो गए कि तीखी मिर्ची हो लेकिन अचार बना देती नहीं, लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि एक दिन पति पत्नी के मुझे याद आया कि एक दिन मैं सरेश जी के घर पे गया सुबह सुबह, तो इन्होंने वाइफ थी इनकी, इन्होंने कहा जानू राकेश जी आया जरा चाय ले आओ। फिर थोड़ी देर में जानू डार्लिंग जरा देखो कुछ नाश्ते वास्ते में, फिर बेबी देखो जरा कुछ हो। मैंने कहा सरेश जी कितनी मोहब्बत है आपको, जानू डार्लिंग बेबी क्या क्या बोल रहे हैं आप। बोले राकेश जी असली बात यह है कि आज से 10 साल पहले मैं इसका नाम ही भूल चुका हूं। लेकिन पद्मिनी तुमने बहुत बढ़िया किया, कहा जाके मिला तबेले में, सही जगह है। मतलब ये तुम्हारे लिए नहीं कह रहा हूं मैं, ऐसी ही किसी नायिका का पति वो तबेले में ही मिला पी के, पत्नी ढूंढते हुए आई, बोले यहां क्यों, ए भैंसों के बीच में तुझे मिस नहीं करता मैं। आदमी ऐसी जगह जाता है जहां फैमिलियर हो, तो वातावरण बड़ा फैमिलियर सा था और हमारे वातावरण में तो बड़ी कमाल की बात है क्योंकि आप तीनों के साथ आज हमारे विशेष मेहमान राकेश बेदी जी हैं जो खुद शेर कहते हैं। मैं चाहता हूं राकेश जी आप चाहें तो वहां से, आप चाहें तो यहां से, लेकिन हम चाहेंगे आपसे कुछ शेर सुनना। तो यहीं से बोल देता हूं कुछ। जी जी सुनाएं। मेरा गम मुझसे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि मेरा गम मुझसे बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि मैं हूं तो ये है वरना इसकी कोई औकात नहीं। हाय 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 वाह वाह। इस दुनिया की हर समस्या का हल मैंने ढूंढ लिया है जनाब। इस दुनिया की हर समस्या का हल मैंने ढूंढ लिया है जनाब। अगर मानू तो ये समस्या है वरना तो कोई बात नहीं। वाह वाह। मैं एक बड़ी अच्छी मेरी एक नज़म कह लीजिए, कविता कह लीजिए, बड़ी इंस्पायरिंग है खासकर यंग जनरेशन के लिए। और अगर वो अपना उसूल बना ले इस तरह की जो मैं शायरी करने जा रहा हूँ तो आपको बड़ी जिंदगी आसान हो जाएगी। इतना भी ना संभल के चल, इतना भी ना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल। इतना बिना संभल के चल, थोड़ा सा कहीं फिसल, तभी तो अजनबी के साथ होगी मुलाकात। एहतियात बरतना जाएगा तो किससे क्या टकराएगा, तो कैसे जिंदगी के साथ होगी मुलाकात। वाह वाह। मुंह ऊंचा रख, मुंह ऊंचा रख और गाना गा, गाता नहीं तो गुनगुना, तभी तो एक हंसी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल,
इतना बिना संभल के चल, किसी के गम में जरा सा ढल, तभी तो एक नमी के साथ होगी मुलाकात। सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा। क्या बात, सब कुछ ही पाता जाएगा तो खोने का मजा क्या आएगा, तो कैसे एक कमी के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल तो शून्य कह कोई गजल, जो हम आज कर रहे हैं यहां पर। इतना बिना संभल के चल तो शून्य कह कोई गजल, तभी तो शायरी के साथ होगी मुलाकात। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। वाह वाह वाह। ना सुनेगा ना सुनाएगा तो जीने का मजा क्या आएगा। इतना बिना संभल के चल तू छोड़ वो कल और जी ये पल, तभी तो इस घड़ी के साथ होगी मुलाकात। उस कल में जीता जाएगा तो इस पल से तू क्या पाएगा, तो कैसे चला चली के साथ होगी मुलाकात। इतना बिना संभल के चल, क्या बात है, थोड़ा सा कहीं फिसल। वाह भाई, प्रबुद्ध सौरभ, पद्मिनी शर्मा और राजेंद्र मालवीय जी, और इन तीनों के साथ हमारे विशेष मेहमान। क्या खूबसूरत आपने नज्म सुनाई है राकेश भाई, कमाल कर दिया सचमुच। जी तो करता है इन्हें समझाया जाए। तब मुझे दो शेर याद आते हैं। कहा है कि इस जगह से चले जाने को जी तो करता है, वाह, और आंसू पी के मुस्काने को जी तो करता है, और मुझको मालूम है कि माचिस मिलते ही वो खुद को जला डालेगा, फिर भी उसे समझाने को जी तो करता है। वाह, फिर भी उसे समझाने को जी तो करता है, और वजीरों से शिकस्त पाने का एक रुतबा है, प्यादों से मात खाने को जी तो करता है। वाह वाह वाह। लेकिन यहाँ न मात है न शेर है न जीत है न हार है, या मोहब्बत है, खुलूस है, प्यार है, जो इसी तरह बना रहेगा। हम रोज यूं ही मिलते रहेंगे और कहते रहेंगे वाह भाई, वाह।